हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाशु व्लॉग एंड प्रियाशुज फूडी प्लेलिस्ट। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आजकल फूडी व्लॉग्स मेरे बहुत आ रहे हैं रेसिपीज से रिलेटेड। तो आज मेरे पास है कॉर्न, कैप्सिकम एंड टोफू, जिसका मैं एक सैलड बनाने जा रही हूँ जो कि आपको वेट लॉस के लिए भी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। मैंने कैप्सिकम को छोटे छोटे पार्ट्स में काट लिया है, टोफू को निकाल लिया है एंड कॉर्न को सबसे पहले मैं बॉइल करूँगी। तो इसको बॉइल करने के बाद मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑर्गेनो एंड थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी रखे इसको स्वाद देने के लिए, क्योंकि वेट लॉस के चक्कर में स्वाद तो अपना नहीं ख़राब करूँगी। तो मैंने बॉइल्ड करने के लिए रख दिया है कॉर्न, साथ में मेरी पालक पनीर भी बन रही है और इधर चाय भी बन रही है। तो आप देख सकते हैं मेरा कॉर्न बॉइल्ड हो गया है। अब मैं एक पैन लूँगी जिसमें थोड़ा सा घी डालूँगी। घी भी आप ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि आप अगर वेट लॉस के लिए ले रहे हैं, बल्कि घी आपको फ़ायदा ही करेगा। तो सबसे पहले मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, सबसे पहले कॉर्न डालूँगी जिसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी, और कॉर्न के साथ साथ ही मैं इसमें कैप्सिकम भी डाल दूँगी साथ में, ताकि ये अच्छे से सॉटे हो जाए। आप इसमें स्प्रिंग अनियंस एंड नॉर्मल अनियंस भी डाल सकते हैं, बट मैंने स्किप किया था, मैंने सिर्फ कॉर्न और कैप्सिकम और टोफू का ही सैलड बनाया था। तो इसको अच्छे से फ्राई होने के बाद आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए हल्का सा, और ऑरेगानो सीजनिंग और चिली फ्लेक्स, ये दोनों मैंने डाल दिए। इसके बाद मैं टोफू डालूँगी और मैं अपना अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो अभी अच्छे से फ्राई हो गया, मैं इसमें डालूंगी टोफू। आप अपने साइज़ के हिसाब से काट लीजिए। तो मैंने इसमें डाल दिया है और मैं इसको अच्छे से फ्राई करके बाद में इसको एक बॉइल में निकाल लूँगी। तो अभी मेरा सैलेड पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी अपने घर पे ये रेसिपी ट्राई करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि कैसा लगा। मैंने इसको निकाल लिया और मैं जा रही हूँ ट्राई करने। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए।